चल देगा, क्या होता है, ब्रिक्स की तरह होता है। फिर आंसर नंबर 3, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का क्या काम है, तो दे प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ये हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको ये सेफ रखता है। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, द रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम इज टू हेल्प द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द राइट ब्रीथिंग हैबिट, सही सांस लेने की प्रक्रिया क्या है, वी शुड ऑलवेज ब्रीथ इन फ्रेश एयर बिकॉज इट इज रिच इन एयर, हमें हमेशा साफ और स्वच्छ ताजी वाली लेनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू आवर नोज, हमें नाक से सांस लेना चाहिए, नॉट विद आवर माउथ, द एयर प्रेजेंट इन द नोज प्रिवेंट डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम द इनहेलिंग द माउथ, जब आप नाक सांस लेंगे मुंह से नहीं। पॉइंट नंबर 3, वी शुड नेवर कवर आवर फेस व्हाइल स्लीपिंग बिकॉज देन वी विल नॉट गेट फ्रेश एयर टू ब्रीथ, सोते समय हम चेहरा अपना ढक लेते हैं तो उससे क्या होता है बच्चों, हमें स्वच्छ हवा नहीं मिल पाती है। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज आंसर नंबर 6, हाउ डज डाइजेस्टिव ऑफ फूड टेक प्लेस, डाइजेशन बिगिन इन द माउथ, मुंह से हमारा जब खाना खाते हैं मुंह में क्या होता है, पहले टूटता है कि हमारे को लाल साग मिलता है, हियर द फूड मिक्स विद द सॉल्ट, या साग में क्या है लाल लाल साग मिल जाता है एंड बिकम सॉफ्ट, उसके बाद खाना एकदम सॉफ्ट हो जाता है, द टीथ एंड द टंग ब्रेक अप द सॉफ्ट एंड फूड, तो जो हमारे दांत है हमारी जीभ है उस सॉफ्ट एंड फूड को, उस मुलायम फूड को ले लेती है, इट देन मूव्स डाउन द फूड पाइप इन टू द स्टमक, फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में भेजती है, फ्रॉम हेयर इट गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से हमारी छोटी हाथों में आता है, द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन, joints.